हेलो दोस्तों, मुस्तफ़ाज हेल्पिंग एंड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए जिससे आपको हमारी वीडियो रेगुलरली मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की फर्स्ट PPR। फाइनली वेटिंग आफ्टर 3 ईयर अप्रूव्ड SOWP आफ्टर 2 रिफ्यूज़ल। फाइल एप्लीकेशन डेट है 14 दिसंबर। नो मेडिकल अपडेट, नो बायोमेट्रिक अपडेट, नो रिव्यू स्टार्टेड, डायरेक्ट PPR ऑन 28 जनवरी। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट PPR टाइमलाइन। बाय द गॉड ग्रेस वी गॉट अवर PPR। वी ऑलरेडी हैड अवर बायोमेट्रिक फ्रॉम द प्रीवियस 2 विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन विच आर डिनाइड। हियर आर अवर टाइमलाइन। एप्लीकेशन सबमिशन डेट है 8 दिसंबर। बायोमेट्रिक अपडेट हुआ है 10 दिसंबर। मेडिकल अपडेट हुआ है 13 जनवरी को एंड PPR आई है 25 जनवरी को। वी आर नाउ स्टार्टिंग द VFS प्रोसेस फॉर स्टैम्पिंग। सो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, आपका भी अगर PPR आ गया है और आपको भी अगर जल्दी से जल्दी पासपोर्ट स्टैम्प करवाना है तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, जिस ट्रिक को यूज़ करते हुए आप आपका पासपोर्ट सिर्फ 3 से 4 दिन में स्टैम्प करवा सकते हो। सो गाइज, आप नॉर्मल प्रोसेस से पासपोर्ट स्टैम्प करवाने के लिए दोगे तो आपका 7 से 8 दिन के 15 डेज़ भी लग सकते हैं पासपोर्ट स्टैम्प होके आने में। ठीक है, तो अगर आप मेरी ट्रिक यूज़ करके पासपोर्ट स्टैम्प करने के लिए दोगे तो आपका पासपोर्ट 3 to 4 डेज़ में आपके पास स्टैम्प होके आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने मेरा पासपोर्ट सिर्फ 3 दिन में स्टैम्प करवाया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस है, किसी की बात सुन के आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक रखी है, तो एक बार ज़रूर से देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट PPR की तरफ। बाय गॉड ग्रेस आई गॉट माई PPR। सीरीज नंबर है 30773। हियर आर माई टाइमलाइन। एप्लीकेशन डेट है 1 दिसंबर। बायोमेट्रिक अपडेट 16 दिसंबर। रिव्यू स्टार्टेड 17 दिसंबर। मेडिकल अपडेट अपफ्रंट 11 जनवरी। और PPR आई है 27 जनवरी को 3:45 PM। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट PPR टाइमलाइन। गॉट PPR टुडे 50 डेज। एप्लीकेशन डेट है 10 दिसंबर। बायोमेट्रिक अपडेट 15 दिसंबर। मेडिकल अपडेट 11 जनवरी। PPR आई है 28 जनवरी को। इंडिया टाइम 4 PM, कनाडा टाइम 5:30 AM। सीरीज नंबर है 3077। और फंड शो किया है उन्होंने इंडियन बैंक अकाउंट में 10 लाख FD और कैनेडियन बैंक अकाउंट में उन्होंने 8000 CAD शो किया है। थैंक यू एवरीवन। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट PPR टाइमलाइन। थैंक यू द ग्रेस ऑफ गॉड आई गॉट माय PPR। सीरीज नंबर है 307955। फर्स्ट अप्लाई डेट है 22 अक्टूबर। रिफ्यूज़ल आया है 2 दिसंबर को। री अप्लाइड 6 जनवरी। रिसीव PPR 27 जनवरी को। नो रिव्यू स्टार्ट, नो मेडिकल, नो बायोमेट्रिक अपडेट, डायरेक्ट रिजल्ट। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट PPR टाइमलाइन। रिसीव PPR। री एप्लीकेशन अप्लाइड ऑन 10 दिसंबर। मेडिकल अपडेट ऑन 11 जनवरी। रिसीव PPR ऑन 27 जनवरी। थैंक यू ऑल, होप एवरीवन विल रिसीव पॉजिटिव रिस्पॉन्स सून। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। अब देखते हैं एक रिजेक्शन केस और जानते हैं क्या रीजन से उनको रिजेक्शन मिला है। हाई, आई गॉट रिफ्यूज़ल टुडे। द कंपनसेशन indicate in your job offer and your assessed and financial situation are insufficient to support the state purpose of travel to yourself. It means आपने जो job offer बताया है, assess बताया है, यानी कि आपकी जो अपने liquid funds शो किया है, आपकी property बताई हो, वो उतनी enough नहीं है कि आप आपका जो cost है वो bear कर सको, इसलिए हम आपको reject करते हैं। So guys, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपकी जो financial situation है उसको strong दिखाना है, तो funds ज़्यादा show करो, property दिखा दो, gold दिखा दो, जिससे आपकी file स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और ये रीजन से आपको रिजेक्शन नहीं मिलेगा। सो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो गाइज, ये थे आज के कुछ PPR और एक रिजेक्शन केस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे नए PPR के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।